गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज मैं फिर स्टैंडर्ड टेन क्लास को हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, जिसका विषय होगा पद परिचय। वैसे तो आपको मैंने पहले सिलेबस लिखा दिया हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको एक बार सिलेबस की याद दिला देता हूँ कि टेन क्लास में हिंदी व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है, पहला जो है उसमें वाक्य है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद एवं प्रकार एवं परिभाषा, ये तो पढ़ा दिए। उसके बाद वाच्य है, वो भी तुम लोगों को पढ़ा दिए। आज तीसरा फैक्टर में आप पद परिचय में आप तुम लोगों को ले जा रहे हैं। पद परिचय, पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। क्या हुआ कि पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। इसमें कहलाता है पद परिचय देने के लिए, जिस प्रकार तुमको पहले क्लास में बताए थे कि पद परिचय को पढ़ने के लिए या समझने के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना पड़ता है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों का विवरण देना पड़ता है। ये तुमको मैं जैसे पदनाम और परिचय, अब पदनाम में तुमको क्या क्या पढ़ना है, पात्र, पद परिचय को समझने के लिए तुमको संज्ञा के भेद, लिंग के भेद, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की परिभाषा, क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया की परिभाषा, अव्यय, अव्यय की परिभाषा एवं अव्यय के भेद, फिर विशेषण, विशेषण के भेद, परिभाषा। कहने का मतलब है कि तुमने 8 क्लास तक का जो ग्रामर पढ़ा, 9 क्लास में इसमें कुछ भी तुमको नहीं पढ़ना था, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, विशेषण, लेकिन 10 क्लास में, स्टैंडर्ड क्लास 10 के लिए, इसमें आपको संज्ञा की परिभाषा, भेद, सर्वनाम की परिभाषा, भेद, क्रिया के भेद, अव्यय के भेद, विशेषण के भेद, ये हो गया नोट। पद परिचय को समझने के लिए संज्ञा की परिभाषा एवं उनके भेद को जानना अति आवश्यक है। उसी प्रकार फिर सर्वनाम की परिभाषा, उसके भेद प्रकार को समझना जरूरी है। उसी प्रकार फिर क्रिया, क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद। उसी प्रकार फिर अव्यय, अव्यय के भेद एवं उसके प्रकार। उसी प्रकार से विशेषण, विशेषण के भेद और उनके प्रकार। अब आपको मैं ले जा रहा हूँ, जैसे कि उपनाम पदनाम में दिया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, विशेषण, आज मैं तुमको संज्ञा की परिभाषा एवं उनके भेद को बताने जा रहा हूँ। आज आपको मैं संज्ञा की परिभाषा एवं उनके भेद, संज्ञा आपने 8 क्लास में भी संज्ञा का परिभाषा जानते होंगे, लेकिन जानकारी के लिए हर तरह का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए मैं तुम्हें संज्ञा की परिभाषा लिख के बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब किसी व्यक्ति, जगह अथवा स्थान के नाम को संज्ञा, जैसे राम, हिमालय, गंगा आदि। अब संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगर तुम परिभाषा नहीं जानोगे तो उसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा को करने आएगा तब तुम उसको नहीं समझ पाओगे। पद परिचय में जब तक तुम संज्ञा के भेद संज्ञा के 5 प्रकार के होते हैं भेद। पहला जातिवाचक संज्ञा, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। आज मैं इतने तक हूँ, फिर कल मैं तुमको क्या करूँगा, जातिवाचक संज्ञा के भेद प्रकार बता देंगे, परिभाषा उदाहरण सहित,
फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा के परिभाषा एवं उदाहरण सहित, फिर समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण परिभाषा सहित, फिर भाववाचक संज्ञा के परिभाषा उदाहरण सहित, उसके बाद फिर द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा एवं उदाहरण सहित। इसलिए ऐसा ही नहीं है कि बल्कि विश्वास है बच्चों कि तुम लोगों ने पद परिचय को बढ़िया तरह से समझा होगा। पद परिचय मतलब पदों का व्याकरणिक परिचय ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को देने के लिए या उनको समझने के लिए जितना पदनाम है आपके, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अवव्यय, विशेषण, कारक, ये सब को पढ़ना होगा। जब तक तुम इसको इसके बारे में नहीं समझोगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, अवव्यय के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, जब इसको जानोगे, जान लोगे इसको, तब तुम व्याकरण को पढ़ लो, पद परिचय को समझ लोगे। इसके बाद कल हम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक सभी संज्ञाओं का उदाहरण और परिचय देते रहेंगे। धन्यवाद।